रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। क्या आप सभी को मालूम है कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं? भारत एक त्योहारों का देश है, यह साल भर ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक त्योहार की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। रक्षाबंधन भी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यह त्योहार भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है और यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपने बहन को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज जाता है। ऐसा मान लो कि जैसे बाजार में एक रौनक छा गई हो। लोग तरह तरह की राखियां खरीदते हैं। इसी प्रकार रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व भाई और बहन के बीच प्रेम और भाईचारा को समर्पित करता है। इसी शुभ अवसर पर बहन अपने भाई की खुशी जिंदगी की कामना करती है। राखी के इस पवित्र धागे में है बांधा ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार और असीम लाड दुलार। राखी पर तो यही आशीष सदा खिला रहे तुम्हारा संसार। धन्यवाद।
खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना। ओ कदर बहन की उनसे पूछो जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा।